मन में थी अहिंसा की लगन तन पर लंगोटी, लाखों में घूमते थे लिए शक्ति की सोटी। मनोज मंतुशिर जी की यह पंक्ति महात्मा गांधी जी पर सटीक बैठती है। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश हित के लिए आत्मा सांस तक लड़ाई लड़ी। वह आजादी के आंदोलन के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह भी कहा जाता है। बापू के सत्य व अहिंसा की विचारधारा से मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला भी काफी प्रभावित थे। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता को खत्म करने व भारत को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त कराने में बापू का अहम योगदान था। उनकी सत्य और अहिंसा की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ न केवल आवाज उठाई बल्कि कई आंदोलनों की अगुवाई भी की। गांधी जी की सादगी और सरलता की दुनिया कायल थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1879 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था जो ब्रिटिश राज के समय में कठियावाड़ी की एक रियासत के दीवानी थे। इस बार हम महात्मा गांधी जी की 153वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। भारत देश में गांधी जयंती पर स्कूल कॉलेज से लेकर शैक्षणिक संस्थानों व सरकार कार्यालयों व दफ्तरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि दिल्ली राजघाट पर महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। साल 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में महज 23 साल की उम्र में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इस दौरान डरबन से प्रोटोरिया की यात्रा करते समय उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे में बैठने से रोका गया। उन्हें धक्के मारकर व पीट कर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। यह नस्लीय भेद का कारण था जो अंग्रेजों को अफ्रीका में ही नहीं भारत में भी महंगा पड़ा। साल 1915 में अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी अपने गुरु गोपाल कृष्ण के पास पहुंचे। इस दौरान देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। महात्मा गांधी ने देश के हालात को समझने के लिए देश के भ्रमण की योजना बनाई। साथ ही देश में जाति व धर्म के भेद को खत्म करने, देशवासियों की नब्ज को जानने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो ये थी गांधी जी की कुछ खास बातें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूवी इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।